फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन का और आज की हमारी नेम रिएक्शन है आयडो फॉर्म अपक्रिया। पिछले वीडियो में हमने हेलो फॉर्म अपक्रिया के बारे में देखा हुआ है, तो आज हम आयडो फॉर्म अपक्रिया को समझेंगे जो कि उसी का मिलता जुलता रूप है। ठीक है, तो क्या होती है आयडो फॉर्म अपक्रिया, कैसे आपको करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो इसमें हमें करना क्या है, हम सिंपली लेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल की हम जो क्रिया है सांद्र क्षार और आयोडीन के साथ जब मिलाकर गर्म करेंगे, जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र क्षार और आयोडीन इन तीनों के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें आयडो फॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आयडो फॉर्म का हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस पूरे प्रक्रम को जो एथिल अल्कोहल का हम आयडो फॉर्म परीक्षण कर रहे हैं उसका हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, आयडो फॉर्म अपक्रिया या आयडो फॉर्म परीक्षण कहेंगे। ठीक है, तो इस पे हम सिंपली लेंगे क्या, हमने लिया है यहाँ पे एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, हमने लिया है यहाँ पे एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है क्या C2H5OH, और क्या लिया है सांद्र क्षार ले रहे हैं। ठीक है, सांद्र क्षार ले रहे हैं, सांद्र क्षार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और या आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लीजिए या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लीजिए, इसकी एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करा दें। और क्या मिलाना है हमें, आयोडीन मिलाना है क्योंकि ये परीक्षण कैसा है, आयोडीन का ही परीक्षण है, आयडो फॉर्म यानी आयोडीन का परीक्षण है ये। ठीक है, तो हमें सिंपली लेना क्या है, एथिल अल्कोहल लेना है और इसकी क्रिया सांद्र क्षार और आयोडीन के साथ हमें मिलाकर गर्म करनी है तीनों को, तो हमें आयोडो फॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और इस पूरे प्रक्रम को हम आयडो फॉर्म परीक्षण या आयडो फॉर्म अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये ना समझ में आया हो, तो चलिए रिएक्शन से समझते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है, तो आपको रिएक्शन से आसानी से समझ में आएगा। तो सिंपली हम लेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे हम एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, यहाँ पे हमने लिया है एथिल अल्कोहल और इसके साथ इसकी हम क्रिया किससे करा रहे हैं, आयोडीन से। हमने चार भाग आयोडीन के लिए हैं और क्या लिया है, छह भाग हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले रहे हैं। हमने सिंपली यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया है C2H5OH और चार भाग हमने यहाँ पे आयोडीन ली है और छह भाग हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH लिया है। ठीक, तो अब हम इन तीनों को जब मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें आयडो फॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी जिस चीज के अणु हैं उनको हम गिन लेते हैं कि कितने कितने भाग में है। ठीक, तो सबसे पहले कार्बन देख लीजिए, कार्बन के दो भाग हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, इस पूरे जो तीनों का मिक्सचर मिला रहे हैं इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन है दो, हाइड्रोजन कितने हैं पांच, एक हाइड्रोक्सिल वाला एच छह हो गए। ठीक, अब आ जाइए NaOH के छह हो गए, छह छह बारह हाइड्रोजन है, दो कार्बन है बारह हाइड्रोजन है, चार दूनी आठ, आठ आपके आयोडीन है, आयोडीन की कितनी मात्रा है, आठ आयोडीन की मात्रा है और ऑक्सीजन छह और एक सात है। ठीक, अब हमने कार्बन के दो अणु, हाइड्रोजन के बारह, आयोडीन के आठ और ऑक्सीजन के सात अणु ले लिए हैं, तो यहाँ से बन क्या आ जाएगा, CHI3, ये आपका क्या हो गया, ये बन गया आपका आयडो फॉर्म का पीला अवक्षेप। यहाँ से हमने एक कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन लिया और तीन आयोडीन का यूज किया है जिससे हमें आयडो फॉर्म का पीला अवक्षेप CHI3 हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक, एक कार्बन लिया है, एक हाइड्रोजन और तीन भाग आयोडीन से ये बन चुका है आयडो फॉर्म का पीला अवक्षेप। अब बच क्या क्या गया है, पांच, भाई तीन भाग निकल गए, पांच भाग आयोडीन के बच गए, ग्यारह भाग हाइड्रोजन बचा, एक कार्बन बच गया और सात भाग ऑक्सीजन वैसे के वैसे हैं। और देख लीजिए एक चीज और हमने नहीं लिखी है यहाँ पे, छह भाग आपका है सोडियम Na। ठीक, छह भाग सोडियम है उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आयोडीन के बचे हैं पांच भाग,
तो ये आयोडीन सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, पांच भाग सोडियम आयोडाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, पांच भाग सोडियम आयोडाइड बना लेगा। तो पांच भाग जब एन ए से निकल जाएंगे सोडियम से तो एक भाग आपका सोडियम बच जाएगा। तो सबसे पहले हमें आयोडो फॉर्म का पीला अवक्षेप CH3 प्राप्त हुआ, फिर सोडियम आयोडाइड के पांच भाग NaI प्राप्त हो चुके हैं। अब देख लीजिए, अब एक कार्बन है, 11 हाइड्रोजन और आयोडीन तो खत्म हो चुके, ऑक्सीजन है और सोडियम, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि सोडियम यानी Na एक बच गया है, उसका भी तो हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बना लेंगे क्या, सोडियम फॉर्मेट HCOONa। दो भाग अब हम ऑक्सीजन के भी यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के सात भाग थे, अब पांच बचे हैं, तो ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया HCOONa निकल गया। अब देखिए बच क्या क्या गया है। ठीक है, कार्बन का भी जो एक भाग था वो भी हमने यूज कर लिया, तो कार्बन हो गया जीरो। ठीक, कार्बन हो गया जीरो, हाइड्रोजन के 10 अणु बचे हैं। ठीक, और हमने आयोडीन को भी पूरा यूज कर लिया, पहले तीन भाग यूज किए थे बाद में पांच, तो आयोडीन की मात्रा भी हो गई है शून्य, यानी कि जीरो हो चुकी है। ठीक, अब ऑक्सीजन के बचे हैं पांच भाग। ठीक, ऑक्सीजन के कितने भाग बचे हैं, पांच भाग ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है, और ये सोडियम भी आपका जीरो हो गया। तो पांच भाग ऑक्सीजन, 10 भाग हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, जल, 5 × 2 = 10, हाइड्रोजन 10 बैलेंस हो रहे हैं और पांच ऑक्सीजन के, तो ये पांच भाग आपके जल के भी निकल चुके हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आयोडो फॉर्म का पीला अवक्षेप। जब हमने एथिल अल्कोहल की आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमें आयोडो फॉर्म, सोडियम आयोडाइड और सोडियम फॉर्मेट और जल के अणु बाहर निकल चुके। तो ये था आपका आयोडो फॉर्म परीक्षण या आयोडो फॉर्म अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।